छिंदवाड़ा स्थित आदर्श कॉलोनी के समीप हीना अस्पताल का भव्य उद्घाटन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पर्यटन खेलकूद कला संस्कृति के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था, जिसको लेकर सारी तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन झारखंड में सरकार की उलट पलट होने के बाद से स्थिति गंभीर हो गई है, लेकिन उद्घाटन का समय वही है और उद्घाटन 1 फरवरी को ही किया जाना है। इसकी जानकारी अस्पताल के निदेशक फिरोज आलम अंसारी ने दी। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि गरीब दीन दुखियों की सेवा स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से उनकी सेवा करें। यहाँ विभिन्न विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक मुहैया कराए गए हैं, जो यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वे भविष्य में यहाँ ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इस अवसर पर डॉक्टर शशांक शेखर, डॉक्टर इरशाद, डॉक्टर शालिनी ने भी अस्पताल में उपस्थित उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है। ग्रैंड ओपनिंग करने जा रहा हूं मैं, और मुझे लगा कि ये ओपनिंग करना चाहिए। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हफीज साहब आ रहे हैं, हमारे बादल भैया आ रहे हैं, तो इसलिए आज आप लोगों को बुलाया है। क्या किस तरह का फैसिलिटीज होगी? था कुछ कई कारणों के वजह से हमने कुछ दिनों के लिए बंद किया था, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो फिर आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, और मुझे लगा आज करते करते 3-4 सालों में एक इतना एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ है कि हमें इस हॉस्पिटल को किस तरीके से चलाना चाहिए। और मैं बड़ा लक्की महसूस करता हूं, बहुत खुश नसीब से बताएंगे कि ये क्या है। डॉक्टर साहब, बताया जाए किस तरह का ट्रीटमेंट लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, क्या 24 आवर्स क्या फैसिलिटी रहेगी? सो सबसे पहले नमस्कार और जोहार झारखंड। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो खैर बिहार से हूँ, तो झारखंड मेरे लिए एक न्यू चैलेंज है, और हीना हॉस्पिटल वो मंच है जिसे मैं मुझे वो चैलेंज पूरा करना है। फिरोज जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका भी दिया है, और हम दोनों मिल के एक नया एक तरह का एक ट्रीटमेंट और एक बोलेंगे प्रोटोकॉल और एक इस तरीके का हम लोग फैसिलिटीज़ यहाँ पर लाना चाहते हैं, जो अभी तक इस जोन में हम लोग कभी नहीं किए हैं, आज तक यहाँ पर ना हुआ हो। जहाँ तक बात करें फैसिलिटीज़ का, तो हम लोग यहाँ पे सर्जरीज, जो कुछ ऐसी सर्जरीज है जो जल्दी यहाँ तो नहीं हुई है, बिहार और झारखंड में भी बहुत नहीं है, जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी, मोटापे की सर्जरी, कार्डियो की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी, कार्डियोलॉजी यहाँ पे सेक्शन डिपार्टमेंट बना है, पल्मोनरी नहीं था, पल्मोनरी डिपार्टमेंट यहाँ पे बना है, गायनी हमेशा 24/7 हमेशा रहेंगे, सारी फैसिलिटीज़, ऑपरेशन, हर तरह की ऑपरेशन जितने भी डॉक्टर्स की टीम है वो अवेलेबल रहेगी, कुछ ऑन कॉल भी रहेंगे, और प्लांट सर्जरीज भी जो होती हैं हमारी, वो उस तरीके से डॉक्टर को बुलाया जाएगा, वो यहाँ पे करेंगे, और हमारे यहाँ पे आरएमओ जितने भी डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिंग स्टाफ भी हमारे बाहर के, कुछ केरला के और कुछ यहाँ के भी हैं, कुछ हम लोग ने ऐसी टीम मंगाई है जहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम टॉप नॉच दे सकें। तो यहाँ भी इस चीज़ की कमी थी, जो हम लोग ट्राई करने के, इस चीज़ को हम लोग अच्छा बेहतर बनाएं, और ज़रूरी था यहाँ के वासियों के लिए, मधुपुर और आसपास की जगह के लिए, कि यहाँ पे ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी था। सीटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ महीने में हमारे सीटी स्कैन ऑर्डर चला गया, सीटी स्कैन की यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी, डायलिसिस हमारा अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, 2 मशीन यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो एक नए सिरे से एक नई टीम, बाहर की भी टीम हम लोग बोल सकते हैं, जो हम लोग मिल के सब साथ मिल के यहाँ पे काम करना चाहते हैं और करेंगे, और एक अलग तरीके से इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें अफोर्डेबल रेट का, तो हम लोग ट्राई करें कि जितना कम से कम हो सके पेशेंट के फेवर में, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स बहुत है, बाहर भी बहुत सारी कंपटीशन से सब कुछ बहुत सारी हैं होती हैं, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ देंगे एट अफोर्डेबल रेट, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि पैसे को भी देखना है सब चीज़, कि पेशेंट इस चीज़ के लिए थोड़ा मतलब प्रॉब्लम में ना हो। जहाँ तक बात है आयुष्मान भारत की, तो हमारा आयुष्मान भारत जल्दी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कुछ कंपनीज की यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, और ये सब चीज़ को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। और मैं आशा करता हूँ कि झारखंड के लोग और मधुपुर के आसपास के लोग हम पे पूरा विश्वास करेंगे, और मैं विश्वास पे पूरा खड़ा उतरूँगा, और सबका साथ चाहिए। धन्यवाद। सेलेक्ट किया यहाँ इमरजेंसी केयर के लिए, मैं इमरजेंसी के लिए ही रेडी हूँ यहाँ पे, जो भी पेशेंट आए उनका अच्छे से केयर होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं बोलना। ट्वेंटी फोर आवर्स में कहने के लिए यहाँ पे आ रही हूँ, देश के मैं यहाँ के लोगों को